In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful, I hope that you are in a good best health and spirit. This is me, Abdul Rahman Yaseen, baat karenge law admission test ke bare mein. Mujhse pucha ja raha hai ki kya law admission test online hoga ya physical dena padega. Kya kya possibilities hain? Possibilities ke bare mein baat karenge, kya kya ho sakta hai, kya kya nahi ho sakta. Jis tarah aapko maloom hai ki recently ek test hua hai medical ke department ke liye, is MBBS aur BDS, yani ki MBBS doctor aur BDS yani ki dental doctor, inka jo test hua hai jise MD CAT kehte hain. MD CAT पीछे काफ़ी उसका इशू बना रहा है, वो टेस्ट की डेट एक्सीड करते थे, फिर आगे बढ़ाते थे, फिर आगे बढ़ाते थे. एट द एंड उन्होंने ऑनलाइन टेस्ट रखा और ऑनलाइन टेस्ट लिया. इसके ऊपर तबसरे अभी तक जारी हैं, जिसके अंदर जो बात से कहना है कि ये कह लें कि वो दो नंबरी भी हो रही है. बाद ये कह रहे हैं कि इसके अंदर कोई इशू आ रहा है. बाद तलबा कह तलबा ने इसके ऊपर काफ़ी एहतजाज किया, एहतजाज जारी भी हैं तलबा तलबात के, जो जिन्होंने MBBS BDS का टेस्ट दिया है, MD CAT दिया है. अब क्या लॉ का टेस्ट ऑनलाइन हो सकता है? 26 को हुआ, इसको थर्ड में किया गया. मुमकिन है कि मरीज आगे हो जाए, मुमकिन है, लेकिन अभी ऑफिशियली एचईसी ने नहीं कहा. एचईसी ने जो डेट दिया वो 3 अक्टूबर दिया है. हो सकता है ये आगे हो जाए, ये भी अब माइंड में रखिएगा, लेकिन इंशाल्लाह ये 3 को इंशाल्लाह मेरे दुआ आके होगा. क्या ऑनलाइन होगा या नहीं होगा, क्या इशू बनेगा? ऑनलाइन तो कतन भी नहीं होगा, ये बता दो, कतन भी नहीं होगा. जो इशू बन चुका है MD CAT का, अब HEC लैट को ऑनलाइन नहीं करेगी, क्योंकि इसके ऊपर और मसले खड़े हो जाएंगे. ऐसा नहीं होगा. जो आपका लॉ एडमिशन टेस्ट है वो फिजिकली होगा. ये क्वेश्चन आप क्लियर रखें, ठीक है? तो ये क्वेश्चन से आपने परेशान नहीं होना कि या टेस्ट जो है वो इंशाल्लाह होगा. टेस्ट तो होगा ही, लेकिन 3 को डेट दी है. अभी इसके ऊपर भी थोड़ा कच्चा पक्का काम लग रहा है, एक्सपेक्टेशन लग रहा है. HEC ने डेट अनाउंस कर दी है, लेकिन डेट आगे भी हो जाती होती है. तो जो क्वेश्चन था ऑनलाइन वाला, ऑनलाइन नहीं होगा, ये फिजिकली होगा इंशाल्लाह, लगे फिजिकली होगा. तो ये क्वेश्चन था जो कि पूछा जा रहा था बार बार, मैंने सोचा. और एक और चीज़ की रोल नंबर की जो बात है ना, वो आपको 4-5 दिन पहले या 1 हफ्ता पहले आएगी, ठीक है? ये भी आप चीज़ जो है जान लें. दूसरी चीज़ ये है कि किसी को भी रोल नंबर नहीं आई, और ये जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो ओपन नहीं हुई, वो आगे नहीं बढ़ाई, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही, इसलिए वो टेस्ट की डेट आगे बढ़ाई है उन्होंने. इसलिए जो है ना, ये टेस्ट सिर्फ 3 अक्टूबर को हुआ, रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते. वही तरबार जो रजिस्टर्ड हैं उन्हीं का टेस्ट होगा, रजिस्ट्रेशन डेट ओपन नहीं हुई. ये सवाल था वो जो मैंने क्लियर कर दिया. वी दीजिए ज़्यादा रुमाल इन बलगुल मुबीन.